2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला देने के लिए सभी ओपोजिशन पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, ये कहना था जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी सांसद महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर हम पूरे देश की बात करें तो इस वक्त हालात इस तरह के बने हुए हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में ब्यूरोक्रेसी चल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये कहती है कि हमने पिछले 8 सालों में पूरे देश में बदलाव लाया, वहीं देखने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में कहीं पर भी किसी की सुनवाई नहीं है और जो भी लोग बीजेपी के खिलाफ बोले या फिर अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और एनआईए की छापेमारी लगातार कर दी जाती है। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान के दौरान ये भी कहा कि भाजपा के निशाने पर पहले सिर्फ मुसलमान को मिलती थी, लेकिन अब हमने देखा कि कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को, वो सभी लोग जो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ एनआईए और ईडी छापेमारी करवाते हैं और उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ साथ सत्येंद्र जैन का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा ने अपने अपोजिशन पार्टियों को एक साथ न होने के लिए कसम खाई और वो चाहती है कि अपोजिशन जो है एक साथ ना हो, क्योंकि 2024 लोकसभा इलेक्शन में अगर अपोजिशन एक साथ हो जाती है तो वो बीजेपी को कड़ा मुकाबला देगी। वहीं पर पीडीपी सांसद महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव और मायावती की खामोशी मुझे समझ में नहीं आ रही, जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल केसीआर और दूसरी तरफ ममता बनर्जी एक साथ एकजुट होकर काम कर रही है, वहीं पर अखिलेश यादव और मायावती खामोश क्यों हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि कांग्रेस की कयादत में सभी अपोजिशन पार्टियों को एक साथ आना चाहिए और भाजपा को कड़ा मुकाबला देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने अपने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि भाजपा के हुकूमत में हाथरस जैसे मामले भी सामने आए, लेकिन हमने देखा कि राम रहीम जैसे लोग जिन्होंने बेटियों के कत्ल की आसमानदारी की, वो लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि बल्कि बानों के कातिलों को रिहा किया जाता है और कुछ हिंदू लीडर देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि भाजपा जो है इसे बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है, जो भी हमें कहीं भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि पोजिशन की बात करें तो अलग अलग इलेक्शन के दौरान देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। अब वक्त आ चुका है कि अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को टक्कर देनी है तो सभी अपोजिशन जमातों को एक साथ आना चाहिए। वही इंटरव्यू के दौरान महबूबा मुफ्ती से पूछा गया कि वो जम्मू कश्मीर के असेंबली का इंतखाबात लड़ेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को दफा 317 को वापस नहीं किया जाता तब तक जो है वो असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में सभी अपोजिशन पार्टियां 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए इकट्ठा होती है या नहीं, और क्या महबूबा मुफ्ती दफा 317 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगी या नहीं, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। एक छोटी सी अपडेट जो हमने अब तक पहुंचाने की कोशिश की, ऐसी और भी अपडेट्स देखते रहे प्राइम पोस्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।